हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसीबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट के बारे में। यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसलिए चर्चा करने का विषय बन जाता है क्योंकि यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि कोविड 19 को लेकर एक नोटिफिकेशन आया था कि जबकि मेंस का पेपर जब होना था अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में होना था, 19 अप्रैल को जब मेंस पेपर होना था, उसके जस्ट पहले क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन एसीबीआई की तरफ से आया था कि भाई जो है कोविड 19 को लेकर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाता है। ठीक है, मेंस का पेपर जो है, मेंस डेट का जो है जो शेड्यूल था वो उसको पोस्टपोन किया गया। अब बात है कि ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम जो है उसका शेड्यूल पोस्टपोन किया गया है। अब बात है कि जब तक कि प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होता, ठीक है, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपका मेंस का पेपर होगा, तो मेंस कब होगा, प्रीलिम्स की रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, इन सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चूँकि यहाँ पे जो अनलॉकडाउन था जून का जो महीना था, ठीक है, 30 जून तक का अनलॉकडाउन का जो प्रोसेस था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आता है जुलाई की बारी, बहुत सारे नोटिफिकेशन रिलीज़ होने शुरू हो गए और यहाँ पे बात है कि मेंस का पेपर हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मेंस का पेपर नहीं हो सकता तो रिजल्ट तो डिक्लेयर हो ही सकता है। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, भले आपका मेंस का पेपर थोड़े और डिले हो जाए, तो कब तक हो सकता है और इसके बारे में अगर हम बात करें कि कट ऑफ क्या था, पिछले प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, उसके बारे में यहाँ पे ध्यान देंगे और इस बार क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ, उसके बारे में यहाँ पे फटाफट एक नज़र देखते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड डेट, एक्सपेक्टेड डेट में हम क्या बात करेंगे कि रिजल्ट की जो है एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं प्रीलिम्स का। ठीक है, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है कब तक आने की संभावना हो सकता है, तो ये जुलाई, 16 जुलाई के आसपास भी, ठीक है, अराउंड आने की संभावना बन सकता है। अब इसका मेंस का पेपर कब होगा, तो मेंस का पेपर की अगर बात करें तो 31 जुलाई या आप कह सकते हैं अगस्त का फर्स्ट वीक के आसपास में अगर हो सकता है। अगर पेपर जो है प्रीलिम्स का पेपर डिक्लेयर हो जाता है 16 जुलाई तक, तो डेफिनेटली यह है कि आपका अगस्त लास्ट और या फिर आपका अगस्त फर्स्ट वीक या फिर जुलाई एंड में होने की संभावना है। क्यों, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपका 14 डेज से लेकर 16 डेज का समय मिलता है मेंस के लिए। ठीक है, तो प्रीलिम्स रिजल्ट के बाद बहुत आपके पास समय नहीं होता है, हालांकि आपका जो मेंस डेट का है वो टाइमिंग पहले ही, डेट पहले ही फिक्स कर दिया जाता है कि इस तारीख को मेंस होना है। तो जो जिनका मेंस तक का तैयारी करने का जो व्यू होता है वो पहले से प्रिपेयर होता है कि भाई मेरे पास सिर्फ 15 डेज के अराउंड मिलते हैं, तो पहले से मेंस के लिए प्रिपेयर होते हैं। लेकिन अगर जो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि भाई मेंस क्लियर करना है, तो प्रीलिम्स पे अगर ध्यान भी दे देते हैं बढ़िया से, तो मेंस उनका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि 14 से 16 डेज में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। अब आते हैं एक्सपेक्टेड डेट के बारे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, कट ऑफ क्या हो सकता है। तो देखिए, जनरल का हमेशा कट ऑफ देखा जाए तो हाई होता है, ठीक है, कंपैरिजन ओबीसी, लेकिन अब ईडब्ल्यूबीसी की बात, अब ईडब्ल्यूसी की बात करते हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, तो यहाँ पे थोड़े से चीज़ चेंज हुआ है। ठीक है, जो ओबीसी कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी में थे, जो गरीब तबके के लोग थे, जो कि उनको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में रखा गया, कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उनका कट ऑफ वैरी करता है, बहुत वैरी करता है। लेकिन अगर बात करें जनरल और ओबीसी का, ठीक है, जनरल और ओबीसी की बात हम करें, तो इसका जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 2 डेढ़ 2 मार्क्स के डिफरेंसेस रहते हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस का अगर हम बात करें, तो ये अगर पिछले साल का अगर कट ऑफ देखेंगे, जब मैं नीचे और जाऊँगा, नीचे स्लाइड में दिखाऊँगा कि ईडब्ल्यूएस का काफ़ी डिफरेंस रहा है जनरल और ओबीसी से, कट ऑफ की बात करें तो काफ़ी डिफरेंसेज रहा, मीन्स कि काफ़ी कम रहा है ना। अगर बात करें जनरल कैटेगरी का, तो लगभग 70 से 72 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपका 68, ठीक है, 65 से 68 के अराउंड देखने को बन सकता है कट ऑफ। वहीं बात करें ओबीसी का, तो 70 के आसपास में कट ऑफ देखने को बन सकता है। एससी की बात करें तो 65 कट ऑफ देखने को बन सकता है। एसटी की बात करें तो 62 के अराउंड कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, तो ये कट ऑफ रहने की संभावना है, तो संभावना तो ठीक है, लेकिन अब हम एक नज़र डालते हैं फटाफट की प्रीवियस ईयर का क्या कट ऑफ रहा था, जिसके अकॉर्डिंग हम आप तय कर सकते हैं या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इस बार का कट ऑफ ये रह सकता है ना। तो फटाफट आते हैं कुछ स्टेट, देखिए अब ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो ईडब्ल्यूएस में अगर देखते हैं तो 48 मिनिमम 48 मास भी गया, लेकिन किस स्टेट का, इस पर भी नज़र दौड़ाएंगे एक नज़र में, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जहाँ कट ऑफ जाता है, जैसे MP हो गया, UP हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, जैसे जो शहर है काफ़ी यहाँ पे कट ऑफ हाई जाते हैं, है ना, काफ़ी जो कट ऑफ है हाई जाते हैं। या उड़ीसा की बात करें, तो देखिए स्टेट में अगर हम सबसे पहले MP की बात करें, तो जनरल कैटेगरी का 73.5 गया था पिछली बार का जनरल का कट ऑफ। ओबीसी की बात करें तो 73.5 गया था। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें, तो देख सकते हैं कि 61.5 गया कट ऑफ, है ना, मीन्स कि जनरल ओबीसी से काफ़ी कम रहा।
एससी की बात करते हैं तो एससी की बात करते हैं तो 63.25 कट ऑफ गया। वहीं बात करें एसटी की तो एसटी का 50.5 रहा है ना। अब एक नज़र दौड़ाते हैं यूपी, यूपी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं, तो यूपी का एक नज़र डालते हैं जनरल कैटेगरी का क्या रहा था। तो एमपी से थोड़े कम रहते 72.5, ईडब्ल्यूएस का भी सेम रहा 72.5, लेकिन ओबीसी का थोड़ा यहाँ पे कम देखने को मिला 70.25। ये जो डिफरेंसेज आप देखते हैं ये किस आधार पे होता है, ये आपका वहाँ पे सीट के आधार पे भी होता है, ठीक है। सीट के आधार पे भी कट ऑफ कम और ज़्यादा होते रहते हैं। एससी की बात करें तो 58.75 रहा था, एसटी की बात करें तो 42 रहा था। वही बात करते हैं वेस्ट बंगाल का, 73.25 रहा था। ईडब्ल्यूएस का वहाँ सीट नहीं था तो इसलिए वहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं इसका बना। वही बात करते हैं ओबीसी का तो 58.5, एससी का 56.5 और एसटी का 44.75। आते हैं महाराष्ट्र पे एक नज़र डालते तो महाराष्ट्र का कट ऑफ दूसरे स्टेट से कम रहा, जहाँ की 62.25 रहा जनरल कैटेगरी का, 54.75 रहा, देख सकते हैं काफ़ी कम रहा है ईडब्ल्यूएस का। वही बात करते हैं ओबीसी का तो 62.25 और एससी का 62.25 और एसटी का भी यहाँ पे बात करें तो 45.50। आते हैं फटाफट दिल्ली पर नज़र डालते हैं, दिल्ली का 71.25 रहा था जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का 51, ओबीसी का बात करते हैं तो 62.50, एसटी का 44.25 है ना। आते हैं नज़र डालते हैं राजस्थान का, राजस्थान का सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे देखने को बना था 71.71 गया था कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस का अगर बात करें तो 65.25। अगर कंपैरिजन करते हैं अगर यूपी से तो यूपी का ईडब्ल्यूएस में भी काफ़ी कट ऑफ था 72.5, लेकिन अगर यहाँ दिल्ली की बात सॉरी राजस्थान की बात करते तो 65.75 रहा था, ठीक है। ओबीसी की बात करते तो 71 रहा था, वही बात करते हैं एससी का 54 और एसटी का 48। अब आते हैं छत्तीसगढ़ की बात करते तो छत्तीसगढ़ का कट ऑफ काफ़ी कम रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जो था सीट भी का भी बात करें तो सीट भी बहुत ज़्यादा कम वैसी नहीं थे, मीन्स की और के स्टेट में कम थे लेकिन प्रीवियस ईयर के नज़र डाले तो थोड़े कम थे, ठीक है। चलिए तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो 57.5 गया था कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस का सबसे कम यहाँ पे अगर बात करें तो सेकंड जो कह सकते हैं सबसे कम 35.5 रहा था ईडब्ल्यूएस का छत्तीसगढ़ से। वहीं ओबीसी की बात करें तो 57.5, एससी का 53.25 और एसटी का 46। वहीं बात करते हैं तमिलनाडु का जो कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ कम जाता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 61.25 गया था जनरल कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस का सबसे कम 28.5 गया था कट ऑफ, ठीक है। वहीं बात करते हैं ओबीसी का 61.25, एससी का भी सेम रहा और एसटी का बात करें यहाँ पे तो 53.75 रहा था कट ऑफ, है ना। अब आते हैं एक नज़र डालते हैं उड़ीसा पर, उड़ीसा की कट ऑफ क्या रहा था 73.5 रहा था जनरल से। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 73.25 रहा था, वहीं बात करें ओबीसी का 73.5 सेम रहा, एससी की बात करें तो 58.5 और एसटी की बात करें 45.75 रहा था। आते हैं उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड का मैक्सिमम रहा था जनरल कैटेगरी का 75.25 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 63.25 रहा था, ओबीसी का 60.5 और एससी का 51.25 और एसटी का 53.25 रहा था। एक नज़र डालते हैं बिहार का, बिहार का भी काफ़ी हद तक मैक्सिमम रहता है यहाँ पे कट ऑफ 76.25 रहा था जनरल कैटेगरी का। हालांकि ईडब्ल्यूएस की बात करें, ठीक है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं या ओबीसी की बात कर रहे हैं तो ये मेरे पास डेटा नहीं, अगर आप लोग किन्हीं के पास एससी का और एसटी का अगर यहाँ पे डेटा मिलता है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी का तो हमें आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं कि बिहार का ईडब्ल्यूएस का ओबीसी का एससी एसटी का क्या कट ऑफ रहा था। तो गाइज चूँकि रिजल्ट जल्द ही रिलीज़ हो जाना है, ठीक है, रिजल्ट जल्द ही रिलीज़ हो जाना है, मेंस का भले पेपर थोड़े डिले हो सकते हैं तो रिज़ल्ट अगर डिक्लेयर भी हो जाता है तो आपके पास समय काफ़ी बन सकता है। अगर रिज़ल्ट में भी डिले होता है तो मान के चले कि 14 से 16 डेज का ही गैप रहता है रिज़ल्ट को और मेंस को पेपर लेकर, तो ये चीज़ें बदल सकती है चूँकि कोविड-19 का प्रभाव इतना हद तक कम नहीं हुआ जितना अभी देखने को मर रहे हैं। और काफ़ी सारे न्यूज़ में भी ऐसा आ रहा है कि कोविड-19 का जो है फिर से यहाँ पे चीज़ें मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ते नज़र आ रहे, तो ये हो सकता है कि फिर से एक बार पोस्टपोन हो सकता है, डिले हो सकता है चीज़ें, तो ठीक है डिले हो सकता है। लेकिन IBPS का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, फॉर्म भरा सकें चुके भराने का जो है डेट रिलीज हो चुका है 1 जुलाई से, तो आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू रखें, तैयारी को कंटिन्यू रखें, वो चीज़ आपके काम करेंगे। IBPS RRB क्लर्क के जो है PO मेंस में PO हो गए, क्लर्क हो गए और या फिर मेंस के पेपर में काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकते हैं गाइज। इससे के रिगार्डिंग जो भी है बैंक से रिलेटेड आप कुछ भी जो है चाहे उस सिलेबस को लेकर चाहे वो कट ऑफ को लेकर उससे रिलेटेड जो भी है आप सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, इसके रिगार्डिंग जो है SBI क्लर्क की अगर बात करें IBPS की अगर बात करें तो IBPS क्लर्क की ऊपर बहुत सारे मैथमेटिक्स के वीडियो होंगे, इंग्लिश के वीडियो होंगे
या फिर रीजन के वीडियो होंगे, जल्द ही रिलीज होंगे, तो आप लोग हमारे चैनल पे जरूर बने रहें। अच्छे लगे वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि और कोई सब्जेक्ट में क्या आपको, आपका क्या डिमांड है कि किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा वीडियो बनना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम होता रहेगा। गाइज इस वीडियो में बताया था, थैंक यू वेरी मच।